हेलो दोस्तों, मुझे लगभग 7 से 8 साल हो गए हैं गार्डनिंग करते हुए अपने छत पे। और मैंने ऐसा पहली बार देखा है अपनी छत पे, और मैंने ये घोंसला देखा भी नहीं है। ये टेलर बर्ड का घोंसला है। आप देख सकते हैं इसने आम के पत्तों को किस तरीके से सिला हुआ है आपस में, और एक प्यारा सा छोटा सा घोंसला रखा हुआ है। इसको मैंने कल देखा था तो इसमें 3 एग थे और आज 4 हैं। और काफ़ी प्यारा बर्ड है ये, बहुत छोटा बर्ड होता है। मैं कोशिश करूँगा वीडियो में उसको ला सकूँ, दिखा सकूँ मैं आपको। बहुत छोटा बर्ड होता है। हमें अब खासकर ध्यान रखना होगा, जैसे आपके भी अगर गार्डन में इस तरीके से कोई बर्ड अपना नेस्ट रखता है तो ध्यान ये रखना होता है कि छत पे उस गार्डन उस एरिया की साइड में जिस जगह नेस्ट रखा हुआ है उस एरिया में बहुत कम आना जाना करना होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो बर्ड होते हैं वो इतने शर्मीले किस्म के होते हैं कि वो अपना नेस्ट छोड़ देते हैं। बेशक उसमें अंडे हैं फिर भी उनको छोड़ के चले जाते हैं। और टेलर बर्ड के बारे में तो मैंने यही सुना है कि ये भी कुछ इसी तरीके के होते हैं। अगर इनको बार बार दिक्कत होती है, डिस्टर्बेंस होती है, तो ये उस घोंसले को छोड़ देंगे, उस बच्चों को भी, अंडे को भी छोड़ सकते हैं। तो दिन में एक बार पानी देंगे किसी भी टाइम, और ज़्यादा इस एरिया में आने से बचेंगे। कमाल के बर्ड हैं ये, देख सकते हैं कितनी अच्छी कारीगरी है जिसे कह सकते हैं। 3 पत्तों को इन्होंने जोड़ा है, अच्छे से सिलाया, और बहुत बढ़िया नेस्ट रखा है। ये सब देख के ना अपने गार्डन में बहुत अच्छी खुशी महसूस होती है। कंचे जैसे हैं, बहुत छोटे छोटे से बर्ड भी छोटी है काफ़ी। आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, बस अब इनसे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, पानी देने के लिए एक ही बार आना पड़ेगा। इसको हटा नहीं सकते इस साइड से, नहीं तो इसको थोड़ा कोने में कर देते दे। देखिए इसमें वीडियो में आपको बर्ड नज़र आएगी। ये रही कलर, थोड़ा नहीं दिख रहा है अभी अच्छे से, और इस पर काफ़ी बढ़िया कलर है इसके, और बहुत एक्टिव है ये। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं और कितना टाइम लगता है इसको अंडे हैच करने में। बहुत प्यारी बर्ड है ये।